वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज तो बहुत हमारे खुशी की बात है, क्योंकि जो है हमारे जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ब्रीडर पेयर थे, उनमें से एक ब्रीडर पेयर ने जो है वो ये देख सकते हैं अंदर अंडा दे दिया है। मैं आपको वो अंडा दिखा देता हूँ, ये देखें अंदर वो अभी जो है वो उसके आने पर बैठी हुई है, क्योंकि अभी दूसरा अंडा भी उसको देना है इस वजह से। और जो और अभी ये लोग भी बैठे हुए हैं, दूसरे ब्रीडर पेयर भी बैठे हुए हैं, नहीं इनका अंडा नहीं आया। तो देखते हैं क्या होता है कि इनका अंडा आता है एक दो दिन में या नहीं आता, क्योंकि ये सब है पावर ऑफ गंदम। क्योंकि गंदम जो है ना ये गर्म होती है, तो हमने जैसे ही वो दो तीन दिन इनको खिलाया तो फिर वो जो है इनकी ब्रीडिंग होना स्टार्ट हो गई। वो दोस्तों हम लोग इन पैर को खोल देते हैं, इसको इसको, और वहाँ पे जो है इन इस वाले पैर को नहीं खोलेंगे क्योंकि उड़ता बहुत ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल जो है हम लोग ऐसा करते हैं, इनको खोल देते हैं ताकि ये थोड़ी देर बाहर घूमें फिरें। मगर दोस्तों मैंने इनको यहाँ पे खोल दिया है, तो अभी जो है वो इसकी मादी बाहर निकली हुई है, थोड़ा खुश हो रही है, अपने आप को खिला रही है, खुला रही है। क्योंकि इसने क्या बोलते हैं इसका भी अभी है मेरे ख्याल से एक दो दिन के अंदर, कोशिश करेंगे मेरे ख्याल से कल या परसों तक ये जो है वो अंडा दे दे। बकाया वो वाली जो है वो अंदर बैठी हुई है, देख सकते हैं आप, ये वाली जो है ये अंदर बैठी हुई है और इसका नर भी अंदर बैठा हुआ है। दरवाज़ा मैंने सबके खोल दिए, जो निकला जो नहीं निकला वो उसकी मर्ज़ी है, देखते हैं अभी क्या होता है। बकाया फिलहाल जो है वो मोरों को भी हम लोगों ने दाना पाना पानी वानी दे दिया है, दे देते हैं, दिया है नहीं दिया, नहीं दिया। मैंने बोला यार इनके पास जो है वो काफ़ी गंदी हो गई है इनकी जगह, ऐसा करते हैं आज जो है वो इनका पिंजरा जो है पिछला वाला मोरों का, इसको थोड़ा हम लोग कर देते हैं साफ। देख सकते हैं मैंने अंदर ये बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है, क्योंकि मैंने बोला अभी फारिग बैठा हूँ तो फिर साफ़ वाफ कर लेता हूँ। दाना पानी दिया हुआ है, अभी जो है ये लोग ऐसे ही थोड़ी, मैंने बोला बाहर आए थोड़ा अपने आप को सेकें वेकें वो ज़्यादा सही रहेगा। जो है वो कुछ निकल चुके हैं वहाँ पे, ये देख सकते हैं। बकाया यहाँ पे जो है इसका जो है वो नर निकला हुआ है, इसकी जो है वो मादी नहीं निकली हुई, ये देख सकते हैं आप, इसकी मादी बैठी हुई है और नर जो है वो नहीं बैठा हुआ। और गाइस इसका भी जो है वो मादी निकली हुई है, नर जो है वो अभी बैठा हुआ है अंदर, पता नहीं क्या बुला रहा है मादी को, क्या कर रहा है। दो चार यहाँ पे हैं और वहाँ पे भी बैठी हुई है, इसका भी निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो है वो निकल नहीं पा रहा। यार चूज़े कब लेके आए? चूज़े देखते हफ्ते वाले दिन लेके आएंगे, आज तो है ढूंढना। कुछ भाई ने कमेंट ही नहीं किए कि क्या लाना है क्या नहीं लाना, ऐसा नहीं करो यार, कमेंट करो हमारे पास, पता चले कि क्या चीज़ आप लोग को ज़्यादा पसंद है, ताकि फिर हम लोग वो चीज़ कोशिश करेंगे कि वो चीज़ जो छोटा पिंजरा था उसके अंदर। तो देखेंगे कल हम लोग, क्योंकि आज जुम्मा है, वजह ये है कि दुकानें हो जाती हैं जुम्मे वाले दिन बंद, खुलती हैं शाम 5 या 6 बजे के बाद। तो हम वो यहाँ पे जो हैं वो दुकानें हैं बहुत दूर, तो हम जाएंगे वापसी आएंगे तो हमें रात हो जाएगी, तो वो सही नहीं है। तो फिर ऐसा होगा कि हम लोग कल ही चले चलेंगे, फिर लेके आ जाएंगे, फिर वो आप लोग को इंशाल्लाह सबूत दिखाएंगे। जो है वो हम लोग अभी ऐसा करते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि ये अभी जो है वो मादी भी अंदर चली गई है, दोनों अंदर चले गए हैं, और इसको भी बंद कर देते हैं क्योंकि ये अभी जो है वो अंडे पे बैठी हुई है, मेरे ख्याल से ये जो है वो अभी अंडा देने वाली है मादी, लेकिन कुछ नहीं पता कि कब तक देगी कब तक नहीं देगी। पर हमने सबके काटे हुए, कोई वो नहीं है, कल ज़्यादा नहीं उड़ेंगे जो ब्रीडर पेयर हैं सारे। और गाइस वो जो कल जो पिंजरा था ना हमारा, वहाँ पर जो पिंजरा, वो जो लंबा पिंजरा जो था जो तूफान की वजह से तो थोड़ा हिल विल गया था, गिर विर गया था, वो पीछे आप लोग देख सकते हैं क्या हालत हो गई है उसकी। मैं आप लोग को उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ, उसको हमने सारा खोल दिया क्योंकि वो गया था कीला हो गया था सारा, टूट भी गया था, तो हमने उसकी ये हालत कर दी है। और इसकी जो है वो हमने इसका भी बड़ा पिंजरा बनाना है थोड़ा मास्टर के, लकड़ियाँ बहुत हैं ऊपर भी रखी हुई हैं, तो अभी फिलहाल जो है वो उसका हमने छोटा पिंजरा बनाया है जिसके अंदर हम लोग सोच रहे हैं कि चूज़े वगैरह रखें। ये वाला पिंजरा है, ये वाला देख सकते हैं आप, ये थोड़ा इस तरीके से है, ये इसका दरवाज़ा है, और देखेंगे इसके अंदर क्या रखेंगे, देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो कल का इरादा है कि इसके अंदर चूज़े लेके आएंगे, फिर इंशाल्लाह वो आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ पे जो है वो लीमू बहुत सूखा हुआ पड़ा हुआ है, इसको पानी भी नहीं मिला हुआ बिल्कुल, थोड़ा बहुत पानी है लेकिन फिर ये देख सकते हैं माशाल्लाह गाइस, ये देखें लीमू इसमें से निकलना शुरू हो गया है, एक इसमें भी होंगे यार, नहीं इसमें नहीं है, टोटल एक ही निकला है। बका यहाँ पे देखें, देख सकते हैं ये यहाँ पे जो है इनके फूल निकलते हैं, उसके बाद जो है इनका लीमू निकलता है। ओ वो रहा पीछे, ये रहा गाइस, ये देखें, ओ ये रहा, आप लोग को दिख गया होगा ये रहा,
माशाल्लाह। गैस अभी जो है वो इसको थोड़ा पानी वानी दे देते हैं, हम लोग पानी दे देते हैं, बस बस काफ़ी है काफ़ी है काफ़ी है है वो सिर्फ अभी फ़िलहाल हमारे पास ये दो पौधे हैं। तो देखते हैं कि शायद हमारी जो ये वाली टंकी है इसके अंदर जो है जो हमने मिट्टी इसके अंदर डाल के रखी है, इस वाली मिट्टी के अंदर जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं खरगोश की वो रखेंगे, ताकि उनके लिए मिट्टी थोड़ी और ज़्यादा डाल देंगे। ऐसी ही हमारे पास गाइस एक और है, और उसके अंदर जो है वो हम लोग रखेंगे क्या बोलते हैं पौधे वगैरह लगाएँगे, खूबसूरत खूबसूरत देखेंगे, कोई फैंसी जो पौधे नहीं होते जो मौसमी पौधे होते हैं वो देखेंगे। शायद वो हम भी जो है सबको दाना पानी वानी दे के, मोरों को भी सबको दे के अभी जो है हमने सबको बंद कर दिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जो जो हमारे चैनल पर नया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं जो हमने आपको पिंजरे के बारे में बताया है कि उसमें क्या रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।